अगर आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को बेहद खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ प्रैक्टिस टेस्ट मुकाबले में भूखे शेर की तरह दहाड़े हैं यशस्वी जायसवाल। टेस्ट को T20 बनाते हुए एक नहीं दो नहीं दस से भी अधिक खौफनाक छक्कों की बदौलत तूफानी शतक ठोक बांग्लादेशी टीम की उड़ाकर रख दी धज्जियां। जी हां दोस्तों, आखिर कैसे यशस्वी जायसवाल ने इस बार बांग्लादेश का घमंड कुचलते हुए लहराया है अपने परचम। गेंदबाजों की बेरहमी से जमकर कुटाई करते हुए कैसे उन्होंने जड़ दिया इतिहास का सबसे तेज शतक। छोड़ा रोहित विराट को भी पीछे, उनके ऐतिहासिक शतकीय पारी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और शुभमन गिल में से कौन सबसे शानदार खिलाड़ी है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आखिरकार 30 दिनों के लंबे इंतजार के बाद इंडिया और बांग्लादेश के बीच रोमांचक टेस्ट सीरीज का बिगुल बज चुका है, जिसमें भारत के खूंखार खिलाड़ियों के सामने घमंड में चूर बांग्लादेश की टीम चुनौती लेकर खड़ी थी। पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में हराने के बाद बांग्लादेश का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। ऐसे में जब चेन्नई के मैदान पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच पहला प्रैक्टिस टेस्ट मैच शुरू हुआ, तब सबको लगा था कि इसमें कोई भी टीम बाजी नहीं मार सकती है। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय खिलाड़ी, खासतौर पर यशस्वी जायसवाल, बांग्लादेश के खिलाड़ी अपने बल्ले से इस कदर गदर मचाएंगे कि भारत को रौंदने का सपना सजा चुकी बांग्लादेशी टीम को संभलने का मौका भी नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, चेन्नई के चिबॉक क्रिकेट स्टेडियम में जब टीम इंडिया मुश्किल से नजर आ रही थी, कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का तो फैसला किया, लेकिन ये टीम इंडिया पर भारी पड़ा। जब 50 रन भी नहीं बने थे और हमारे चार बल्लेबाज ढेर हो चुके थे, रोहित से लेकर विराट कोहली, यहाँ तक कि यशस्वी जायसवाल जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी भी कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में बांग्लादेश तो अभी से जीत का जश्न मनाने लगा था। ऐसा लगा था कि कहीं टीम इंडिया 100 रनों से भीतर ही ऑल आउट ना हो जाए। तब मुश्किल की घड़ी में यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े हीरो बनकर आए। जैसे इस जाबाज को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बजाय इसके उन्हें दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था, ये खिलाड़ी मैदान में अकेला हो गया था। लेकिन यशस्वी तो अकेले दम पर इतिहास लिखने के इरादे से उतरे थे। आपको बता दें, पहली गेंद पर उन्होंने सौरिफुल इस्लाम की बाउंसर पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का बटोर कर अपना खाता खोला था। लेकिन ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी, उसके बाद तो तबाही का मंजर इस कदर आया कि बांग्लादेश की रूह कांप उठी। इस खिलाड़ी ने अपने विस्फोटक अंदाज में एक के बाद एक सीधा चौके छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी और पलक झपकते ही वो अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान गेंदबाजी करने आए मेहंदी हसन मिराज की भी धज्जियां उड़ाते हुए उनकी लगातार दो गेंदों पर दो खतरनाक छक्के यशस्वी ने ठोक दिए थे, तो वहीं तीसरी गेंद पर भी उन्होंने खूबसूरत चौका बटोर कर इस गेंदबाज की दशा दिशा बिगाड़ दी थी। ऐसा लगा था कि ये किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसे कुछ हमें देखने को भी मिला। पलक झपकते इस खिलाड़ी ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर केवल 16 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसमें उन्होंने 5 खौफनाक छक्के लगाए थे। इसे देखने के बाद जहां भारतीय खेमा रोहित कोहली से लेकर हर कोई जश्न मना रहा था, तो वहीं पूरे बांग्लादेशी खेमे के पसीने छूटने लगे थे। वो तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस खिलाड़ी को रोक पाना यहां से भी उनके गेंदबाजों के बस की बात नहीं हुई। टेस्ट को T20 में तब्दील कर बांग्लादेश के हर एक गेंदबाज को रिमांड पर लेते हुए यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर कहर बरपा दिया था। अपना 360 अंदाज दिखाते हुए वो मैदान के हर एक कोने पर बाउंड्री लगाते जा रहे थे। उन्होंने हसन महमूद की 155 किलोमीटर की रफ्तार वाली घातक बाउंसर पर रोहित शर्मा के अंदाज में अपने पुल शॉट से खूबसूरत छक्का लगाया कि गेंदबाज की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई भी उनके उस अद्भुत छक्के पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। पूरा स्टेडियम में खुशी से झूम रहा था, क्योंकि यशस्वी जायसवाल केवल 31 गेंदों पर 98 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़े हिट की दरकार थी। पूरा स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, सभी उनके शतक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और इस खिलाड़ी ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। गेंदबाजी करने आए शाकिब अल हसन के सिर के ऊपर से खौफनाक छक्का बटोर कर यशस्वी जायसवाल ने एक नया इतिहास लिख दिया था। इस खिलाड़ी ने न केवल 32 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेली थी, केवल इतने में ही उनका तूफान थमा नहीं। जाते जाते उन्होंने 45 गेंद पर 138 रन ठोक दिए, जिसे उन्होंने 12 खौफनाक छक्कों और मात्र 5 खतरनाक चौकों से सजाया था। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो पूरे स्टेडियम खड़े होकर इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजा रहा था। हर तरफ केवल जश्न का माहौल था, तो वहीं केवल मातम था तो बांग्लादेश के खेमे में। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी ने तो बांग्लादेश टीम की शामत ही ला दी, जहाँ अभी भी उनके गेंदबाजों के चेहरे पर खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहाँ प्रैक्टिस में तो उन्होंने साफ तौर पर दिखा दिया कि बहुत जल्दी शुरू होने वाले इस प्रैक्टिस मैच में बांग्लादेश के साथ कितना दुर्व्यवहार होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आप यशस्वी जायसवाल के इस बेहतरीन पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।